नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम आसानी से जो है पालक का सूप घर पे बना सकते हैं। तो पालक का सूप बनाना बहुत ही आसान है और पालक जो है उससे जो हीमोग्लोबिन बढ़ता है, तो आप ज़रूर इसको बनाएं और पिए। और इसको खाने से पहले आप पियेंगे तो आपकी भूख भी बढ़ जाएगी। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे हमने 250 ग्राम जो है वो पालक ले लिए, उसको धो के अच्छे से खराब पत्ते निकाल के इसको काट के यहाँ पे ले लिए एक बड़े कटोरे में। उसके अलावा यहाँ पे हमने अदरक को बड़े पीसीस में काट लिया है और एक टमाटर को हमने पीसीस में काट लिया है। इसके अलावा यहाँ पे हमने लिया है 1 चम्मच सादा नमक, 1 चम्मच काला नमक। इसके अलावा काली मिर्च ली है, उसको कूट लिया है। और उसके अलावा यहाँ पे धनिया लिया है गार्निशिंग के लिए, एक नींबू का रस, आधा नींबू का रस लिया है। और गार्निशिंग के लिए और स्वाद के लिए यहाँ पे हमने मक्खन लिया है और हमने क्रीम लिया है। और उसके अलावा पानी लिया है यहाँ पे सूप बनाने के लिए, और एक हमको ये छलनी चाहिए सूप को छानने के लिए। तो इसको कैसे बनाते देख लेते हैं। यहाँ पे गैस पे एक हम बर्तन चढ़ा देते हैं, इसके अंदर जो है 1 गिलास पानी डाल देंगे। और कटी हुई जो हमारी पालक है उसको डाल देंगे। हुए टमाटर डालेंगे और अदरक को यहाँ पर मुझे काट के रखा है उसको भी यहाँ पर डाल देता हूँ। इसको जो है चला देंगे। तो इसको हम 1 गिलास और पानी डाल देते हैं जिससे कि ये अच्छे से डूब जाए और नरम हो जाए। इसको पहले ढक देते हैं 1 मिनट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हमने दो उबाल आने तक उबाल लिया है। और अभी जो है गैस को हम बंद कर देते हैं। ये अच्छा नरम हो चुका है तो इसको थोड़ी देर ठंडा कर देंगे। उसके बाद इसको मिक्सचर के अंदर उसका पेस्ट बना लेंगे। अभी इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे जो है पालक का हमारा मिश्रण था वो ठंडा हो चुका है, तो हम चटनी बनाने की जार के अंदर इसको मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इस हमारी दूसरी वाली जो जार है बड़ी वाली वो गिर चुकी है। तो आप इस टाइप का एडजस्टमेंट ले सकते हैं। उसका हम पेस्ट बना देंगे। पेस्ट को तो यहाँ पे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं।
पेस्ट को हम इसे निकाल लेते हैं बड़े बर्तन में, और इसके आगे की प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। अब जो है इसमें पानी डाल देते हैं दो गिलास, हम छान लेंगे। जिससे कि जो पालक और टमाटर के जो रेशे होते हैं वो सब निकल जाएगा और सूप जो है हमारा एकदम स्मूथ बन जाएगा। इसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके हम इसका वर्क अच्छे से निकाल लेंगे और जो इसकी आगे भी प्रोसेस को आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने सभी पानी जो है उसको निकाल लिया है। इसके हम कढ़ाई को रख देते हैं और इस सूप को थोड़ा सा हम इसे गर्म कर लेंगे और इसके अंदर ये सादा नमक डाल देंगे और काला नमक डाल देंगे, काली मिर्च डाल देंगे और नींबू का रस डाल देंगे। इसको एक उबाल आने तक गर्म कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उबाल आना शुरू हो गया है, तो गैस को यहाँ पर बंद कर देते हैं। इतना ही हमको उबालना है और इसमें जो है एक चम्मच मक्खन डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, इससे टेस्ट अच्छा आता है और देखने में भी ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। इसके अलावा जो है हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। थोड़ा गर्म है तो इसको थोड़ा सावधानी से डालिए।
है थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए यहाँ पे क्रीम जो है उसको डाल देते हैं, थोड़ा सा फेंट लीजिए तो इसमें थोड़ी डिजाइन डिजाइन भी बना सकते हैं, जिस तरह की आपकी क्रिएटिविटी हो उस तरह का आप कर सकते हैं इसमें डिज़ाइन। ये जो हमारा पालक का सूप रेडी है, तो ये पालक का सूप आप पीजिए और आपके शरीर में जो है ताजगी लेके आइए, इससे आपकी भूख भी बढ़ेगी, हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, रोग तत्व भी बढ़ेगा, सब बढ़ जाएगा। तो ये आप आज ही बना के पीजिए और सर्दियों के मौसम में तो ज़रूर पीजिए, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। और इसके अंदर जो है ना आप गार्निशिंग के लिए थोड़ा धनिया भी ऐसे डाल सकते हैं, तो भी अच्छा लगेगा।